जाने वाले हैं किश्तवाड़ के डेडली रास्तों में से एक। बिल्कुल मस्त होगा ना रहे अंकल। काफी गाड़ियां लगी थी और अभी हम पहुंचे। So hey guys, welcome back to another video. तो आज बैसाखी है, कुछ लोग बैसाखी कहते हैं, कुछ बैसाखी कहते हैं, तो दोनों हैं, जो भी है जो बोलते हो वही रख लो। और अभी हम हैं ग्राउंड के पास और आज हम जाएंगे नीचे बिंद्रावन मंदिर और वहाँ से जाना है भंडारकूट और भंडारकूट के मंदिर में भी जाएंगे और आज हमारा फर्स्ट मोटो व्लॉग आएगा। आज हम मोटो व्लॉगिंग करेंगे, तो बाकी बातें तो हम मोटो व्लॉगिंग करते करते करेंगे। हमारी राइड स्टार्ट होगी और आज फर्स्ट मोटो व्लॉग है यार, तो देखते हैं कैसा रहता है। देखो यार, मौसम इतना आज गंदा हो गया, ऐसे तो रहता नहीं है बैसाखी में ज़्यादा गंदा मौसम, धूप ही रहती थी लेकिन आज पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। वैसे किश्तवाड़ में बारिश की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। हम जाने वाले हैं किश्तवाड़ के डेडली रास्तों में से एक रास्ते पर, मतलब इतना गंदा रास्ता है वो क्या ही बोले जाए, क्या ही बोला जाए इसके बारे में। और पता नहीं कब से ऐसा नहीं है, इतना छोटा सा रास्ता, सिर्फ एक गाड़ी का रास्ता ही है। ये है यहाँ के रास्ते, देख रहे हो, देखो भाई कैसा रोड है ये। और मुझे हेलमेट लगी है ना, तो मेरे को अजीब ही लग रहा है। ये देखो, चलना मुश्किल है। ओ भाई साहब, देखा कैसा रास्ता है, पहाड़ी इलाका है, ऐसे ही रास्ते भी होते हैं, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। कुछ तो बजा गाड़ी को ऊपर से, यार हम लोगों की तो आदत है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना यार, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं, पहले इतनी कमी रह गई थी वो भी पूरी हो रही है। पता नहीं यार, बोल्ट का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओ बाबा जी, क्या लुक है यार, और फाइनली हमने क्रॉस कर लिया झंझट को। और मैं तो चाहता हूँ बारिश पड़े यार, पड़ने दो, पड़ेगी तो मज़ा आएगा ना व्लॉगिंग करने में। इतनी आसानी से व्लॉगिंग हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है ना। बरसो बरसो रे मेघा मेघा बरसो, बारिश का मजा लो। ठंड तो बिल्कुल नहीं है यार, लेकिन एक टाइम था ना, मतलब बैसाखी के दिन अगर हम जाते थे भंडारकूट या कहीं, बहुत ठंड होती थी यार। आज तो बारिश पड़ रही है और बिल्कुल ठंड नहीं है। ओ भाई साहब, इतने रश की तो उम्मीद नहीं थी मुझे। तो फिलहाल हम बाइक को लगा देते हैं साइड पे और नॉर्मल व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। फोटो का काम यहीं तक था। नहीं, तो अब हम पहुंच चुके हैं भंडारकूट और अब हम जाएंगे नीचे। और ऐसे तो यहाँ पर नहाते थे सारे, लेकिन आज काफ़ी बारिश, ठंड, और ठंड तो है नहीं पर बारिश पड़ रही है, मौसम ख़राब है, तो इसलिए आज नॉर्मल है, कुछ नहाना शहाना तो है नहीं। अब जाते हैं थोड़ा सा हम दरिया के नज़ारा, दरिया का नज़दीक से नज़ारा ले लेते हैं, बहुत डस्ट है यार। अब हम नीचे जाएंगे और मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कैसा रास्ता है। ये बहुत डेंजरस दरिया है, बहुत ज़्यादा गाड़ी भी है यहाँ पर, बहुत कम लोग तैरते हैं। स्विमिंग पूल नहीं है यार, इसको स्विमिंग पूल नहीं समझना कभी। ये बहुत ख़तरनाक जगह है और ये इंसान आज से 5-6 साल, 10-12 साल पहले डूबने वाला था, यहाँ पर बच गया था। लेकिन ये देखो अंकल, अंकल को ठंड कुछ नहीं है,
अंकल बिल्कुल मस्त होकर नहा रहे हैं। अंकल अंकल ठंडी लग रही है, मस्त बिल्कुल मस्त। और क्या देखो अंकल ने नहा लिया। कोई ठंड नहीं अंकल को, और अंकल मस्ती में नहा रहे थे। और देखो फ्लो देखो यार, ये दरिया बहुत खतरनाक है यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ बहुत लोग, बहुत कम लोग। क्या अंकल? हाँ दो दरियाओं का ना, हाँ दो दरिया, एक ये और एक ये यहाँ पर मिलते हैं, और मिलन पे ही नहाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ संगम पे ही नहाते हैं, अच्छा होता है नहाना। और यहाँ देखो इन लोगों का ध्यान रखने के लिए कैसे हमारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। थैंक यू सर। हाँ और देखो फ्लो कितना है यार, ये बहुत खतरनाक है। बारिश पड़ी हो जाता बढ़ जाएगा, देखने में डर लगता है। सोचो नहाने वाले जो डूबता होगा, और बहुत सारे लोग यहाँ डूबे हैं और भगवान को प्यारे हो गए। मजाक नहीं है यार ये चीज़, और इन चीज़ों को मजाक में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना मस्ती करने, अपना वो स्टाइल दिखाने में, वो अपना एटीट्यूड, अपना वो सब कुछ कि हम खतरनाक हैं खतरनाक हैं, और बड़ी बड़े बड़े काम करते हैं, और बाद में भगवान को प्यारे हो जाते हैं थोड़े से हाथ होते हैं। तो इससे अच्छा है आप करो ही ना, चुपचाप रहो, शांत रहो। अच्छा आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो नहीं, यहाँ से आप वहाँ से चक्कर मार के आओ, वहाँ पर नहाओ आराम से, क्योंकि वहीं पर सारे नहाते हैं, यहाँ पर फ्लो ज़्यादा हो रहा है ना। अंकल आराम से। राम राम। आप देखते हैं कौन मिलता है अपना यहाँ, दिख तो कोई नहीं रहा है। वैसे देखो रेत, यहीं से तो रेत आती है घरों में। और ये देखो दरिया यार, इधर कौन नहाएगा यार, पता नहीं आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा, पर बहुत खतरनाक है। देखो इतने इतने पानी में कौन जाएगा नहाने यार, खुद ही सोचो। हाँ जी हो गया, अभी तो आए मसा लगा था कि यहाँ कोई अपना मिलेगा, ये जान पहचान का, लेकिन कोई था नहीं। तो चलते हैं यहाँ से, नहाना तो हम नहाना शहाना तो हम लोगों के बस का है नहीं यहाँ पे। जाओ वापस जाओ, इधर कुछ नहीं आगे। आप जाते हो बड़ों के पास है। कहना चाहते हो कुछ आप यहाँ? कहना चाहते हो कुछ? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप जैसे लोगों को हर एक धर्म से जो है विश्वास उठ गया है, क्योंकि हर बैसाखी पे लोग काफी सारे यहाँ पे आते थे, लेकिन अब लोग जो है हर जगह कम आना स्टार्ट कर दिया है। सर आप कुछ कहना चाहते हो? तो फिलहाल देखो बहुत सारा, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर अभी। तो हम सोच रहे हैं, वैसे भी हमारा प्लान था कि हम आगे जाएं मुगल मैदान जाएं, तो वही सोच रहे हैं मुगल मैदान चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश है। फिर वहाँ से आके दर्शन करेंगे हम आराम से, और अंदर के नज़ारे भी दिखाएंगे आपको। तो हम पहुँच चुके हैं मुगल मैदान, और हैं यहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ काफ़ी गाड़ियाँ लगी थी, और अभी यहाँ पहुँचे। हम दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर आगे क्या क्या है। देखो ये देखो मछलियाँ यहाँ दिख नहीं रही होगी इसमें, पर है खाने के लिए इनके लिए, यहाँ होता है अंदर अंदर होगा ना फीड भैया, थोड़ी सी फीड होगी इनके लिए। ये देखो हमने लाई है इनके लिए, और दिखाता हूँ मैं आपको अब मछलियाँ दिखेंगी हमें। देखो ये देखो लड़ाई हो गई, ओ आराम से यहाँ देखो, यहाँ पे भी लड़ाई चल रही है। खुला है यार, स्टेबल रख स्टेबल रख। देखो यहाँ पर ये खुला हुआ है,
ये देखो हमारे दोस्त आए हैं फैमिली पिकनिक मनाने। तो यार हमें यहाँ पर काफी अपने लोग मिल रहे हैं, अचानक से देख रहे हैं और बोल रहे तुम कहाँ यहाँ अकेले आए हो, ये है वो है। और अब हमने सोचा है कि हम पहले ऊपर से कुछ खाने के लिए लाएंगे और फिर बैठ के खाते हैं और एक डेढ़ घंटा बैठेंगे मजे से और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से। तो आगे कुछ लेकर खाने के लिए, इसकी तो मुझे चॉइस पता है, इसकी चॉइस बहुत गंदी है सामान लाने में, लेकिन देखते हैं क्या क्या लाया फिर इसने। एक मिनट बताता हूँ, कुछ देख लेते हैं, जो है चलो खाना ही पड़ेगा, बराबर ही खाना मजबूरी। तो हम चलते हैं यहाँ अंदर, देखते हैं क्या साफ है। रास्ता तो इतना है, बनेगा जाना। वीआईपी एंट्री, वीआईपी एंट्री है ये, सिर्फ वीवीआईपी जाते हैं यहाँ से। यार आप आप देखते हैं कौन कैसे आता है। ओहो चला गया, हेलमेट नहीं आया, हेलमेट पकड़ो, इधर से दे ना, नीचे से नहीं नहीं ऊपर से दे, ऊपर से दे दे ऊपर। यहाँ पर एक भैया खुद ही कुकिंग कर रहे हैं, बहुत सारा सामान लाया है इन्होंने। ये देखो भैया कहाँ से हो आप, किश्तवाड़ से ही हो? अच्छा आज तो मतलब पिकनिक शिकनिक खुद ही और बनाना भी खुद ही। हाँ पूरा सिस्टम लाया हुआ है इन्होंने, देखो। तो चलो ओके एंजॉय करो। अभी लगभग 3:30 बजने वाले हैं और अभी हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें मंदिर जाना है, मंदिर के बाद हमने दूसरे मंदिर जाना है ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि हम जाएँ वहाँ और मैं आपको दिखाऊँ वो मंदिर, काफ़ी अच्छे मंदिर हैं। अच्छे से तो इन्जॉय नहीं किया हमने क्योंकि टाइम की कमी है, हम काफ़ी लेट आए और हमने मंदिर भी नहीं गया, तो अगर हम मंदिर होकर आए होते तो थोड़ी देर रुक जाते। अब निकलते हैं हम यहाँ से, जय श्री राम, चलते हैं। चलो हम भी चलते हैं यार, हम नहीं। ये देखो आगे हो गया, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो आरुण टाइप है ब्रो। ये देखो इन्होंने हमारे लिए पत्थर रख दिया बीच में। खुद लोग, ये लोग निकल गए और पत्थर को टेढ़ा करके मेरे सामने रख दिया, कोई नहीं। देखो भैया कितना गंदा रोड है, ये डस्ट, कंस्ट्रक्शन चल रही है। चलो एक टाइम आएगा ठीक हो जाएगा सब कुछ यहाँ पे। वैसे ये जो आरुण फाइव वाले थे काफ़ी अच्छे लोग थे, नहीं तो ऐसा होता है ना कि कभी ओवरटेक करते हैं, रेसिंग बाइक वाले हमेशा थोड़े एग्रेसिव रहते हैं, जल्दी मोशन में आ जाते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी शांत थे, अच्छा लगा। वापस आ गए, नहीं नहीं इन्होंने बोला ना आगे चलो तो तभी मैं आगे आया। ओके ओके ओके, नहीं इन्होंने इशारा किया ना कि चलो तो मैं चला। ओके 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 सर, ओके सर। तो पहुंच गए हम फिलहाल, और ज्यादा रश तो है नहीं अब, लेकिन है थोड़ा बहुत है, लेकिन उतना नहीं है जितना सुबह था। तो अब हम अंदर जाएंगे दर्शन करने। सर किधर? ओहो टीका लगा लो, पहले हाथ लगा ले। और कैसे? बस ठीक है, लगा टीका। ये येलो वाला लगाना, हाँ हाँ ये कैमरा, ये देखो ना हमारा, हमारे दोस्त, प्रिय दोस्त। अच्छा मेरे ख्याल से पहले भी तुमने बुलाया था मुझे जब मैं अंदर जा रहा था। टीका लगा रहे हैं अभी तो, मेरे ये वाला लगा, मैंने ये वाला लगाना है आज फर्स्ट टाइम। ये मेरे को भी लगा लो, ये तो खत्म होने वाला है। वाह क्या फील आ रहा है ये लगाकर, मजा आ गया, फर्स्ट टाइम मैंने लगाया। और जॉय ठीक हो आप? बढ़िया। सुबह से इधर ही है? नहीं नहीं अभी घंटा हो गया। और ठीक समाज से
विसाखी क्यों मनाते हैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। बताओ ऐसे तो ये हार्वेस्ट होता है, कुछ खास नहीं, नहीं, है। नहीं क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? फसल कैसे काटी जाती है? नहीं मतलब हम क्यों मनाते हैं हिंदू धर्म में, क्या मायने रखती है विसाखी? इतना वो नहीं है नया साल, नहीं पता नया साल नहीं होता, वो नवरात्रि होते हैं। जगह यहाँ पर लंगर लगा था पर हमने कुछ खाया नहीं यार। यहाँ है वो जगह, आओ मैं दिखाता हूँ ये जगह। हाँ हाँ शूज खोल कर यहाँ से जाएंगे कहाँ? वहाँ तक आता है ना, जा सकते हैं। हाँ हाँ हम गए। ये है वो जगह, क्या बोलते हैं इधर? गंगा, गंगा का बोलते हैं ना यहाँ, पता नहीं। मतलब ऐसा माना जाता है कि लोग यहाँ पर ऊपर से कॉइन्स फेंक, सिक्के फेंकते हैं। और पता नहीं क्या है, और मतलब ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कुछ भी विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। पूरे पानी का भी खत्म नहीं होता। हाँ यहाँ पर देखो कितने सारे कॉइन्स पड़े हैं, लोगों ने फेंके हैं। शिव जी हमारे जटाएं उड़ती हुई बनाई हैं। ये लोग खाना बना रहे हैं और यहाँ पर खाया खाना, और यहाँ पर लोग राम राम ठीक हो? बढ़िया बस बस जरा चक्कर चक्कर मारने खाएंगे देखते। यहाँ पर लोग खा रहे हैं खाना, और ये देखो हमारे बजरंग बली की मूर्ति। और मैं आपको बताने वाला था, ये बहुत ही पावरफुल जगहें हैं यार, सच में पावर है इन जगहों में। मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से ऊपर से कभी भी कोई जहाज़ नहीं चलता, अगर वो चलेगा तो वो गिर जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना भी फ्लड आ जाए इस ज़ियारत के उस दरवाजे से ऊपर पानी नहीं आएगा कभी। मतलब बहुत सारी पावरफुल चीज़ें हैं ये, ऐसे ही नहीं है, मजाक नहीं है, सब सच में पावर है इन जगहों पे। बहुत लोग हेलो सर कहाँ गए थे ऊपर? क्या किया थोड़ा? कहाँ कहाँ गए थे ऊपर? तो अभी हम पहुंच चुके हैं वहां से, हम आगे और हम पहुंच गए हैं वृंदावन मंदिर में, और हम यहां एंटर करेंगे। दूसरी बार इस मंदिर में आ रहा हूं मैं, पहली बार ही आ रहा हूं। नहीं पहले आते थे, मतलब जब सिर्फ तब बना नहीं था, ये नहीं जो हर वाले में आते थे, लेकिन दर्शन करने कभी नहीं आए। मैं आया हूं एक बार दर्शन करने यहां पे, मेरा पहली बार था। मांगा था हमने, मैंने और मेरे एक दोस्त ने आकर्षित से, कि 11th में पेपर नहीं होने चाहिए, लेकिन हुए थे। ये है बाबा जी, ये हमारे। तो दर्शन हो गए हमारे, और हम प्रसाद लेंगे और यहाँ से निकलेंगे। जय हो। भैया के पहले के लिए एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार लेते हैं सबके लिए। देखो अभी हम ग्राउंड में आ चुके हैं, और यहाँ आज बहुत कुछ होता है यार, आज दंगल चल रही है किश्तवाड़ में, एक ही दिन दंगल होती है आज, आज का दिन। और यहाँ तो बहुत सारा रश है, मुश्किल से दिखने को देखने को मिलेगा, फिर भी दिखा देता हूँ, ट्राई करते हैं दिखाने का। जो यहाँ पर होने जा रही है हमारे रिंकू कुमार जी, जो बलग्रह कमोटी से ताल्लुक रखते हैं, उनके और विकास यूनिट जो सुरूर से ताल्लुक रखते हैं। चलो यार छोड़ो, क्या दिखाऊंगा मैं इनको, लड़ाई शड़ाई वाले काम हम करते नहीं है और दिखाते भी नहीं है। तो हमारा चैनल जो है वो बहुत शांतिपूर्वक है, तो शांतिपूर्वक ही बोलते होंगे शायद, वही है। अब लास्ट मैच चल रहा है इनका, फाइनल चल रहा है, दिख नहीं रहा है, मैं दिखाता आपको लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो फ़ायदा ही क्या है, मैं बहुत पीछे हूँ, मज़ा नहीं आएगा देखने में भी, ऐसे देखना पड़ रहा है उछल उछल के, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो अब सुरकुट में हम
भैया की दुकान पे आए हैं, मोमोज खाते हैं और फिर जाएंगे गोलगप्पे शोलगप्पे खाने। तो व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा शायद, तो मैं एंड कर देता हूँ व्लॉग यहीं पर। तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और वो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय श्री राम।